मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संस्कृत सुभाषित एक प्रकार से ज्ञान के रत्न होते हैं। हमें जीवन में जो चाहिए वो उसमें से मिल सकता है। इन दिनों तो मेरा संपर्क बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले मेरा संपर्क बहुत था। आज मैं एक संस्कृत सुभाषित से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पर्श करना चाहता हूँ, और ये सदियों पहले लिखी गई बातें हैं, लेकिन आज भी इसका कितना महत्व है। एक उत्तम सुभाषित है और उस सुभाषित में कहा है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मुढ़े है पाषाण खंडेशु, मुढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा प्रदीयते। यानी कि पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित, यह तीन रत्न है। मूर्ख लोग पत्थर को रत्न कहते हैं। हमारी संस्कृति में अन्न की बहुत अधिक महिमा रही है। यहाँ तक कि हमने अन्न के ज्ञान को भी विज्ञान में बदल दिया है। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। इसमें दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से जागरूक नागरिक समाज सेवक बन जाता है। इसके बाद वो इस ध्येय के लिए खुद भी समर्पित हो जाता है, उस आंदोलन का वो एक सिपाही बन जाता है। हम सभी ने परिवारों में, हिंदुस्तान के हर कोने में अन्न प्राशन संस्कार के बारे में सुना है। ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं, लिक्विड फूड नहीं, सॉलिड फूड। गुजरात ने 2010 में सोचा कि क्यों न अन्न प्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाए, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। यह एक बहुत ही शानदार पहल है जिसे हर कहीं अपनाया जा सकता है। कई राज्यों में लोग तिथि भोजन अभियान चलाते हैं। अगर परिवार में जन्मदिन हो, कोई शुभ दिन हो, कोई स्मृति दिवस हो, तो परिवार के लोग पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना बना करके आंगनवाड़ी में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और परिवार के लोग खुद बच्चों को परोसते हैं, खिलाते हैं, अपने आनंद को भी बांटते हैं और आनंद में इजाफा करते हैं। सेवा भाव और आनंद भाव का अद्भुत मिलन नजर आता है। साथियों, ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा देश कुपोषण के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी, दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित है। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप जरूर इससे जुड़िए, जानकारी लीजिए, कुछ नया जोड़िए, आप भी योगदान दीजिए। अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं, मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं।